अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज अभी मैं मौजूद हूँ सुबह सुबह के टाइम सूखल खुदार यानी दम्माम वेजिटेबल मार्केट में। इतना टाइम तो नहीं है कि एक बेहतरीन तरीके से जबरदस्त वाला ब्लॉग बनाया जाए, लेकिन इस थोड़े वक्त में एक ब्लॉग आपके लिए किया जाएगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि बेहतरीन वाली सब्जी और अच्छे वाले प्राइस में कहां पर मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, कराता हूं मैं आपको टूर वेजिटेबल मार्केट का। तो यल्ला लेट्स गो। यहाँ पे जो है आवाज बहुत ज्यादा आ रही होगी, इसलिए जो है मुझे टेम्परेरी तरीके से जो है ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और इतना वक्त भी नहीं है क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा सामान खरीदना है, तो यहाँ से पैसे ले लिया है और थोड़ा सा जो है मैं रख भी आया हूँ। बस लगदर हो गया, वाहत किलो समंदर दो, बादिन लेमन असफर, अभी यही कर दो पहले। तो अभी इधर से जो ले लिया है मैंने बसल अबियद, मतलब कि वाइट वाली प्याज, ये जो है सलाद के रूप में अच्छी रहती है, सलाद के रूप में खा सकते हैं। ये 5 रियाल का जो है एक पीस दे रहे हैं और आई थिंक 4 पीस हैं इसमें। और ये जो रखा है अपने यहाँ साग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं रिजला। और ये जो है 5 कम है वह धब्बा चला तक हम सर रियाल, यानी ये 3 पीस जो है इसमें 5 रियाल के हैं। तो 3 पीस जो है मैंने ये ले लिए हैं। और इधर से मुझे लेना है कार्टून गाजर का, मतलब कि अरबी में बोलते हैं जीजर। वो इस कार्टून में जो है आई थिंक 6 किलो निकलेंगी और 6 किलो का प्राइस रहेगा 30 रियाल। माशाल्लाह, ये देखो कितनी प्यारी है, मतलब कि यही चाहिए। उधर भी मिलेगी 7 किलो मिलेगी, 7 किलो का कीस वो 30 रियाल में मिलेगा, लेकिन इस जैसी नहीं मिलेगी। ये काफी साफ है और देख लीजिए बिल्कुल प्यारी सी गाजर है ये, मतलब तो आई थिंक ये बेटर है। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 रियाल में ये बेटर है, मतलब उधर एक कार्टून था वो थोड़ा प्राइस ज्यादा था, वो थोड़ा कार्टून बड़ा था, लेकिन ये भी ठीक है, मतलब कि इसमें काफी पानी है, मतलब कि देखा जाए तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये ले लिया जाए। फिलीपीन का ये चला, फिलीपीन का तो ज्यादा 2-3 खाने के बाद ही मामला बिगड़ जाता है। और ये है 15 रियाल का, मतलब 2 kg के करीब में ऑलमोस्ट होगा। तुफा सुक्रीम था सीली आती नहीं, वाहत कार्टून एवं सैमसंग वाहत फिलिंग। अब सुन रहा है था? आईवा। कम है था कार्टून फिलिंग, कम है था किलो यानी मुमकिन कम किलो, किलो। और जल्दी मैं थोड़े थोड़े में मैं सारा सामान जो है ले चुका हूँ, तो कंप्लीट डिटेल से जो मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पर एकदम फुल तरीके से बना नहीं सकते क्योंकि पब्लिक एरिया, और पब्लिक एरिया में तो आपको पता है मतलब कि वीडियो शूट करना एकदम अलाउ नहीं है। लेकिन हम थोड़े थोड़े टाइम में जो है वीडियो बना लेंगे। सामान तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन 2-3 आइटम रह गए हैं, उसी तरीके से जो हम मतलब कि वीडियो बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आवाज़ का जो है आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि माइक जो है मैं गाड़ी में रख आया हूँ और इधर लेके नहीं आया मैं, क्योंकि अगर माइक लेकर आता पूरा सिस्टम लेकर आता तो यहाँ पे जो है शायद मैं जो है ये वेजिटेबल नहीं ले पाता। ये कितने की फिलिंग है, ये कितने की फिलिंग? और इधर से ले लिया मैंने एक फिलिंग खियार, मतलब 10 रियाल में 2-1 kg के करीब में आ जाएगा आई थिंक।
करतून हदा कम बसल अबियद हमसार वहीन किलो हदा कम मुमकिन तकरीबन 45 नहीं 45 उसमें कितना किलो होगा किलो होगा मुमकिन 14-15 किलो 14-15 किलो के हिसाब से तो आई थिंक वो ठीक है फिर मतलब एक पूरा कीस और इधर एक कार्टून का जो है टमाटर का प्राइस रहेगा 15 रियाल अभी इसमें देखना है कि पसंद आ जाए तो ठीक है दिखाओ कोई सा कार्टून दिखाओ एक बेहतर वाला नहीं छोटा छोटा पीस है इसमें मजा नहीं आ रहा छोटा छोटा पीस है और आज जो ऐसा लग रहा है कि टमाटर का प्राइस जो है हाई है थोड़ा मतलब ये जो है एक फिलिंग ये 20 रियाल में अगर ये 15 रियाल में मिल जाए तो बेहतर है इसका प्राइस ये जो थोड़ा हरा टाइप में मिल जाए ना तो बेहतर है जैसे कि आई थिंक ये वाली फिलिंग है या फिर ये वाली है सिलादा वाहद और बीच में जो है ये छोटे छोटे ही निकल रहा है वैसे सही बात आई थिंक ये थोड़ा बेटर है बाकी से देखना ही अभी इसमें जो है कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा ये बेटर है आई थिंक ये वाला तो गाइस फिलहाल दमाम वेजिटेबल मार्केट से अभी आ गया हूँ मैं घर पे और अभी पलायन कर रहा हूँ मैं अपने रूम के लिए और टाइम जो ऑलमोस्ट काफी हो चुका और जैसे देखा आपने ये वाला ब्लॉग इतना स्टेबलाइज नहीं था मतलब कि वीडियो जो है बेहतर तरीके से शूट वो भी नहीं थी और इसकी कंडीशन ये है कि मैं जल्दी में था दूसरी कंडीशन ये जैसे कि पब्लिक एरिया है वहाँ पे जो है एकदम वीडियो शूट करना तो एकदम अलाउ ही नहीं है इसलिए भी बेहतर तरीके से शूट नहीं हो पाई खैर टाइम हो चुका अभी काफी तो अब चल रहा हूँ रूम पर और रूम पर जाने से पहले जो है इस वाले ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पर एंड तो इसलिए मिलते हैं फिर हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए खुदा हाफिज और ये अल्लाह मा सलामा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास है बस अभी नींद आ रही है जाके जो है सोना है बस।